वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो अभी दोपहर के करीब 2 बज चुके हैं और आज की ब्लॉगिंग मेरी अभी से स्टार्ट हो रही। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, आजकल मैं बुआ के यहाँ पे आ रखी हूँ। यहाँ पे आए हुए मुझे करीब 5-6 दिन हो गए हैं। आजकल ज़्यादातर वीडियो आप लोगों को मेरी यहीं से देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी 12 की फ़ोटो दिखाती हूँ। उस टाइम पे मैंने 12 का पेपर दिया था और पेपर दे के मैं सीधा यहाँ आई बुआ लोगों के साथ में। तो यहाँ भी लगभग मैं 2-3 महीने तक रही। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो खिंचाई थी बुआ लोगों के साथ में। वो फ़ोटो यहाँ पे मामा लोगों ने बड़ी बना रखी है फ्रेम लगा के। तो उसको देख के ना मुझे बहुत याद आती है अपने 12 क्लास की, यानी अपने स्कूल के दिन के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वाली फ़ोटो दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे वो फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा अपने स्कूल की याद आ रही है, अपने बचपन की याद आ रही है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं सबसे वो वाली फ़ोटो, क्योंकि और काम तो यहाँ पे है नहीं, मैं बाहर कहीं जा नहीं सकती हूँ। इस गर्मी में तो बाहर जाना मुश्किल ही है। तो देखते हैं कभी जाएंगे घूमने के लिए बाहर, तो आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बनाऊँगी। और फिलहाल तो अंदर ही हैं, क्योंकि आजकल सीज़न ऐसा है गर्म का कि बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ना उतना काम है नहीं जितना कि घर में होता है, गांव में होता है। तो कभी कभी मुझे लग रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरी आदत है घर में इधर उधर भागने की, काम करने की। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कभी क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने सोचा अभी दोपहर की 2 बजने वाली है, तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठी थी मैं, तो मेरी नज़र पड़ी उस वाली फ़ोटो पर जो मेरी क्लास 12 की थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं वो फ़ोटो शेयर करूं। तो चलिए दिखाती हूं मैं आपको भी, और आप देखना मैं उसमें कैसी लग रही हूं। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और आप लोग भी देखना वो जो फ़ोटो है और जो मैं अभी हूं मेरे से मैच कर रही या नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोएँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ आप लोगों को लेके अपने फ़ोटो के पास में। तो ये रही मेरी क्लास 12 की फ़ोटो। यहाँ पे अभी मैंने ये फ्रेम निकाल दिया है जिसपे ये फ़ोटो बनाई है, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस में कौन कौन है और मैं कौन सी हूँ। तो पहले इसको साफ कर देते हैं। तो ये रही मैं सबसे किनारे पे, ये, और ये है बुआ की सबसे छोटी वाली लड़की, और ये है सबसे बड़ी वाली लड़की, ये है मामा जी, और ये है बुआ का बीच वाला लड़का, ये है बुआ जी। तो उस टाइम पे ना ये तीनों इतने छोटे छोटे थे और मैं आ रखी थी यहाँ पे। तो उस टाइम की हमने ये फ़ोटो खिंचा रखी है। तो फ्रंट में ना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे में। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये फ़ोटो भी शेयर कर दी है, क्योंकि एक बार की बात बताती हूँ आप सभी को कि एक बार था मेरा पुलिस का फिजिकल। तो पुलिस के फिजिकल में मैंने ये वाली हाफ फ़ोटो लगा रखी थी फॉर्म में। तो हाफ फ़ोटो भी मैंने बहुत सारी खींच रखी थी इस वाली सूट में, उसी टाइम की बहुत सारी हाफ फ़ोटो भी थी मेरे पास। तो मैंने फॉर्म पे वो लगा दिया था। तो जब हमारा पुलिस का वो हुआ फिजिकल हुआ, उसके बाद हम वहाँ पर जा रखे थे। तो जिस दिन हमारा फिजिकल था, तो पता आप लोगों को उस टाइम पे क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट सारे चेक हो रहे थे हमारे, तो उस टाइम पे जब मेरा नंबर आया मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने पता क्या किया, मुझे भी देखा और ये वाली फ़ोटो भी देखी। तो उन्होंने पता मुझे क्या बोला कि ये फ़ोटो आपकी नहीं है, ये तो आप हो ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पे तो मैं ठीक ठाक थी, यहाँ पे उतना काम नहीं होता था जैसे घर में होता है, घर गाँव में बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पर। तो आप लोगों को मैंने बताए रखा है अपनी वीडियो में कितने काम होते हैं घरों में गाँव में। तो वही हालत थी पहले भी इस घर में, तो उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी देखनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा मैं कमज़ोर हो गई थी। तो पता क्या हुआ, वहाँ पे एक दूसरा भी बैठा हुआ था पुलिस वाला, तो उसने कहा भाई फ़ोटो से क्या होता है, फ़ोटो तो चेंज होती रहती है, फ़ोटो से हमने क्या लेना देना, फिर साइन मैच करो, साइन मैच करेगा तो समझ लो वही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि आदमी हर टाइम पर एक जैसा नहीं रहता है, तो कभी कभी ये दिन भी देखने के लिए मिलते हैं। और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कई लोगों के साथ हुआ होगा जैसे कि मेरे साथ में हुआ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किस किस के साथ में ऐसी घटना हुई।
तो इसी तरह से मेरे पास कई चीज़ें, कई अनोखे अनोखी बातें हैं मेरी, तो कभी कभी मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो कमेंट में बताना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फोटो तो मैंने यहाँ रख दी है और अब चलते हैं अंदर की ओर, वहाँ पर देखते हैं बुआ आज क्या कर रही, वहाँ पर सो गई या कुछ काम कर रही। हाय गोरी, और गोरी यहाँ पे आराम से सोई हुई है। गोरी गोरी, चलते हैं अंदर। दरवाजा तो बंद हो रखा है, लगी हुई है बुआ ढोलक बजाने पे। तो यहाँ पे बुआ भी लगी हुई है अपने मनोरंजन करने पे, बुआ भी आजकल ढोलक बजाने पे लगी हुई है, ढोलक बजाने सीख रही। और यहाँ पे मैं भी लगी हूँ अपने काम पे, तो यहाँ पे तो टाइम ऐसे ही पास हो रहा हमारा, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अब बनाते हैं खाना और आप लोगों को मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।